हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड। आई एम आरती, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर नंबर 16, अंडरस्टैंडिंग शेप में से एक्सरसाइज 16A, क्वेश्चन नंबर 10 से। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन एंड क्वेश्चन नंबर 1 to 9 कंप्लीट कर लिए हैं। उन और सारी वीडियोज़ का लिंक आपको अपनी प्लेलिस्ट से मिल जाएगा एंड आप सीधे जाके यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं चैप्टर नंबर 16 अंडरस्टैंडिंग शेप्स एक्सरसाइज 16A ब्रिलियंट माइंड्स, देखेंगे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। एंड आई होप सारे स्टूडेंट्स ने मोस्ट प्रॉबली वीडियोस देख भी ली हैं जिससे आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप फर्स्ट वीडियोस देख लीजिए, इंट्रोडक्शन वाली भी और क्वेश्चन नंबर 1 to 9 में, जिससे आपको इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा कि हमें फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई करने और कौन कौन से फॉर्मूलाज हम यूज़ कर रहे हैं। देन आपको क्वेश्चन नंबर 10 से सॉल्व करना इजी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, जब अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस के भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। अब देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया है। द फिगर गिवन बिलो शोज अ पेंटागन ए बी सी डी ई, 5 साइड्स है पेंटागन हमें दी है विद साइड्स ए बी एंड ई डी पैरेलल। तो ये दोनों साइड्स क्या हैं, पैरेलल टू ईच अदर, एंड बी सी डी इन तीनों एंगल्स की रेशियो आपको दी है 5:6:7। दिस इज नॉट द वैल्यू ऑफ द एंगल्स, वैल्यू नहीं है एंगल्स की, क्या है ओनली रेशियो ऑफ द एंगल्स। अब हमें क्या करना है, फाइंड फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है, यूजिंग फॉर्मूला फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन। स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे एंड सॉल्व करेंगे। अब फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन। अब पेंटागन की कितनी साइड्स हैं, 5 साइड हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है फाइंड करने का, n-2 × 180 degree। n मीन्स नंबर ऑफ साइड, दैट इज 5 × 180 degree। देन 5-2 is 3, 3 × 180 = 540। देन 540 इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन, दिस इज द सम ऑफ ऑल द 5 एंगल्स ऑफ पेंटागन। नाउ सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है, राइट द वैल्यू ऑफ ए प्लस ई, इट मीन्स हमें एंगल ए फाइंड करना है एंड ई एंड उसकी वैल्यू को लिखना है। नाउ अब आपको पता है ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन दैट ए बी इज पैरेलल टू डी ई इफ बोथ द लाइन्स आर पैरेलल। देखिए कंसेप्ट है पैरेलल लाइन्स का, अगर आपकी टू लाइन्स पैरेलल हैं और एक लाइन को कट करके जा रही है, जैसे ये लाइन जा रही है एन, हम यहाँ पे लिख भी देते हैं एन, ई ए इज अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो आपकी पैरेलल लाइंस को कट करके जाती है। तो जब वो एंगल्स बनते हैं, वो एंगल्स कौन से होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स, और उनका आंसर ऑलवेज क्या होता है, 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी इज पैरेलल टू ई डी एंड ई ए, जो ये लाइन है ई ए इज अ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल ए प्लस ई दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। रीजन को इंटीरियर एंगल्स, ये आपके को इंटीरियर एंगल्स हैं बिटवीन द पैरेलल लाइंस। अब थर्ड पार्ट में आपको फाइंड करना है, फाइंड एंगल बी सी एंड डी। अब हमें टू एंगल्स का सम पता है, ए और ई को ऐड करके आएगा 180। हमें फाइंड करनी है बाकी के एंगल्स और हमें उन तीनों एंगल्स की रेशियो भी पता है। देखिए एंगल बी रेशियो सी रेशियो डी ऑलरेडी गिवन, दैट इज 5:6:7। देन लेट द एंगल बी क्या ले लें, एंगल बी सी डी इनकी वैल्यू को ले लेते हैं, कैसे ले लें, 5x 6x एंड 7x। एंगल बी 5x है, हम इसके सामने भी लिख सकते हैं ऐसे, एंगल बी को ले लिया हमने, लेट द एंगल बी 5x, एंगल सी को हमने ले लिया 6x एंड एंगल डी हमारे पास आ गया 7x। अब आपको पता है सारे एंगल्स का सम कितना है, एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 540 डिग्री। अब ए और ई को हम एक साथ लिख देते हैं क्योंकि उनकी वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, और बाकी एंगल्स एक साथ लिख देते हैं। अब ए प्लस बी हमें पता है 180 डिग्री वैल्यू पुट कर दी, बी की वैल्यू कितनी है 5x प्लस
6x + 7x = 540। अब आपको क्या करना है, सारी x की वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं। देखिए 7 + 6 आपके पास हो गया 13 और 5 18, तो यहाँ लिखते हैं 18x 540 एज इट इज़। 180 एक नंबर है जो इधर प्लस हो रहा है, राइट हैंड साइड जाके हो जाएगा माइनस। तो 18x एज इट इज़ इनमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हमारे पास यहाँ पे आ गया 360 डिग्री। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है x की। तो x इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 18। 18 1 18 and 18 2 36, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। अब क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना था, आपके जो थर्ड पार्ट है उसमें हमें फाइंड करना है एंगल बी सी और डी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने सारे एंगल्स को फाइंड कर लेते हैं। एंगल बी की वैल्यू है 5x, इट मीन्स 5 × 20, तो एंगल बी आ गया हमारे पास 100 डिग्री। एंगल सी की वैल्यू है 6x, 6 × 20, एंगल सी आ गया 120 डिग्री। और एंगल डी है हमारे पास 7x 7 × 20, दैट इज़ 140 डिग्री। तो आपके सारे के सारे एंगल्स आ गए। और देखिए क्वेश्चन नंबर 10 डिफ़िकल्ट नहीं है, एक लेंथी क्वेश्चन है बिकॉज इसके 3 पार्ट्स हैं। आपको ईच एंड एवरी पार्ट को स्टेप बाय स्टेप करना है, तब सारे आंसर इजीली फाइंड कर लेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, टू एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन आर राइट एंगल्स एंड द रिमेनिंग आर 120 डिग्री ईच। देखिए किसी पॉलीगन के 2 एंगल्स आपको बता दिए हैं, वो राइट एंगल है और बाकी जितने भी एंगल्स हमें नहीं पता कितने एंगल्स हैं, वो 120 ईच है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड, इट मींस नंबर ऑफ एंगल्स आ जाएंगे तो नंबर ऑफ साइड्स भी आ जाएंगी। सबसे पहले हमें इसका नंबर ऑफ साइड्स नहीं पता, तो लेट इट बी एन, नंबर ऑफ साइड्स हमें नहीं गिवन, तो लेट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन बी एन। हमें नंबर ऑफ साइड्स नहीं गिवन, देन अब एक बात अपने ध्यान से समझने में क्या क्या दिया है, 2 राइट एंगल्स हमें दिए हैं, तो हम लिखते हैं सम ऑफ 2 राइट एंगल्स। अब 2 राइट एंगल दोनों को ऐड कर कितना आएगा, 90 + 90, या 2 × 90 भी कर सकते हो आप, 180 डिग्री। अब रिमेनिंग एंगल्स कितने रह गए, रिमेनिंग एंगल्स रह गए, टोटल कितने एंगल्स हैं एन, एन में से कितने एंगल गए, 2 एंगल्स, तो n माइनस 2 हमारे रिमेनिंग एंगल्स हैं। तो अब लिखते हैं वैल्यू ऑफ 1 रिमेनिंग एंगल, जब मेजर लिख देते हैं ऑफ 1 रिमेनिंग एंगल, तो 1 रिमेनिंग एंगल की आपकी वैल्यू कैसे आएगी, देखिए एंगल की वैल्यू हमें गिवन है 1 रिमेनिंग एंगल की 120 डिग्री, तो हमें फाइंड करना है मेजर ऑफ n-2 remaining angle, ये इनका सम भी होगा रिमेनिंग एंगल्स। देखिए एक एंगल की वैल्यू, जहाँ आप यहाँ पे मेजर भी लिख सकते हैं, आपको गिवन है एक एंगल कितने का है, कितने डिग्री का, 120 डिग्री। हमें कितने एंगल्स का मेजरमेंट चाहिए, हमें चाहिए मेजर ऑफ n-2 एंगल, तो 120 को n-2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 120 n - 240, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, देन ये आ गया सम ऑफ रिमेनिंग एंगल्स। तो आप अब ऐड कर दीजिए जो आपके 2 गिवन एंगल्स थे प्लस उसमें सम ऑफ रिमेनिंग एंगल्स। अब ये किसके इक्वल है, किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम निकालने का फॉर्मूला होता है n-2 × 180 डिग्री, ये आएगा टोटल सम। n-2 × 180 डिग्री क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, तो ये टोटल सम है और ये 2 एंगल्स का सम और रिमेनिंग एंगल का सम, इट मीन्स ये भी टोटल सम है पॉलीगन के एंगल्स का, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हुए। अब 180 और ये दोनों नंबर्स सॉल्व हो सकते हैं, प्लस माइनस माइनस 120 एन एज इट इज लिखते हैं, देन प्लस माइनस माइनस 240 में से आपको 180 को कर देना है सब्ट्रैक्ट। हमारे पास आ गया 60, वो भी नेगेटिव आएगा साइन बड़े डिजिट का, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 180 एन एंड देन 360, 2 × 18 180 360 डिग्री। अब लाइक टर्म्स कर लेते हैं, -60 360 आके इधर ऐड हो गया, देन 180 एन में से माइनस कर देते हैं
120n। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं। प्लस माइनस माइनस, 360 में से 60 गए, आपके पास आ गए 300 पॉजिटिव साइन बड़े डिजिट का। 180 में से 120 गए, आपके पास आ गया 60n। तो 300 को 60 से कर देना है डिवाइड, 0 0 कैंसिल, 6 1 6 5, हमारे पास n की वैल्यू आ गई 5। तो हमने फाइंड क्या करना था, नंबर ऑफ साइड्स। देखिए क्वेश्चन था फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन इट, तो हमारे पास n कितना आ गया, नंबर ऑफ साइड्स आ गई 5। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया है इन अ हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ। हमारे पास एक हेक्सागन है जिसकी 6 साइड्स होती हैं। आपको पता है साइड ए बी पैरेलल है साइड एफ ई के, एंड एंगल बी सी डी ई की रेशियो भी दी है। हमें फाइंड करना है एंगल बी एंड डी। अब देखिए ये हमारे पास हो गई इसकी फिगर, ये हमें बुक में नहीं दी, हमने खुद से ड्रॉ की है। कैसे, क्वेश्चन में था कि ए बी आपके पास एफ ई के पैरेलल है, तो मैंने यहाँ पे ए बी ड्रॉ किया एंड उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी थी एग्जैक्ट, उसके ऊपर एक और लाइन ड्रॉ कर दी एफ ई। अब हमें जो फिगर बनानी होती है कॉन्टीन्यूटी में बनानी, ऑर्डर ए बी सी डी ई एफ कॉन्टीन्यूटी में बन गई, तो आपको क्या फाइंड करना है, एंगल बी एंड एंगल डी, ये दोनों एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। एंड ये सिंबल जो है एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल। अब आपको यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या देखना है कि जो हमारे पास फिगर है, देखिए ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ इज अ हेक्सागन एंड गिवन क्या है, ए बी इज पैरेलल टू एफ ई, बोथ द साइड्स आर पैरेलल। इफ साइड्स आर पैरेलल, तो आपको पता है पैरेलल साइड्स में अगर कोई लाइन को कट करके जाती है, जैसे ये लाइन है ट्रांसवर्सल, तो बोथ द एंगल्स आर को इंटीरियर एंगल्स एंड सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम क्या लिख देंगे, एंगल ए एंड एफ इनको ऐड करके आएगा 180 डिग्री, और रीजन आप लिखोगे को इंटीरियर एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस एंड योर पैरेलल लाइंस आर ए बी एंड एफ ई, ये आपकी पैरेलल लाइंस हैं एंड एंगल ए और एफ का सम हमें ऑलरेडी मिल गया 180 डिग्री। एंड ये एंगल्स हमें रेशियो में दिए हैं, इनको हम सपोज कर लेते हैं। हम लेते हैं लेट एंगल बी सी डी एंड एंगल ई इज इक्वल टू 6x, 4x, 2x and 3x रिस्पेक्टिवली। तो हमने सारे एंगल्स को सपोज कर लिया। अब सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ हेक्सागन, अब हेक्सागन के एंगल आप सम ऑफ इंटीरियर यहाँ लिख सकते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ हेक्सागन इज इक्वल टू व्हाट, देखिए आपको फॉर्मूला पता है एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री। एन क्या है, 6, नंबर ऑफ साइड्स को आप एन बोलते हो, जितनी आपकी फिगर की साइड्स होती हैं, 6 माइनस 2 4 इंटू 180 डिग्री। देन अब मल्टीप्लाई करके आपके पास आ गया 720 डिग्री। हमने अपने जो हमारे पास 6 साइड की फिगर है हेक्सागन, उसके इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड कर लिया। अब आप ध्यान से देखिए, हमें पता है कि एंगल ए बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई एंड एंगल एफ सबको ऐड करेंगे तो 120 के इक्वल आएगा, क्योंकि 6 के 6 एंगल्स का सम 720 डिग्री है। एंगल ए प्लस एंगल एफ को पहले लिख देते हैं, क्योंकि हमारे पास एंगल ए और एफ की वैल्यू गिवन है, देन बाकी के एंगल्स की वैल्यू को हम पुट कर देंगे। अभी बस मैंने अरेंज किया है, एफ को आगे लिखा है, अब वैल्यू पुट कर देंगे इन दोनों की वैल्यू 180 डिग्री। तो इनकी वैल्यू हमने एक साथ पुट कर दी है। एंड यहाँ पे देखिए बी की वैल्यू हमने ऑर्डर में लिखे थे रिस्पेक्टिवली कि बी 6x है, देन सी 4x, देन 2x एंड 3x इज इक्वल टू 720 डिग्री। अब हमें क्या करना है, 180 तो अभी एज इट इज़ सारी वैल्यूज़ को हम कर लेते हैं ऐड। तो इनको ऐड करके आपके पास आ गया 15x, देन 15x एज इट इज़ 720 माइनस 180, जैसे हम सिंपल लीनियर इक्वेशंस में करते हैं वैसे ही आपको सिंपली सॉल्व करना है। तो 15x इधर है, 180 प्लस हो रहा था, दूसरी साइड जाके हमने राइट हैंड साइड उसको माइनस कर दिया। अब इन दोनों को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करके आपके पास आ गया 540। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x के साथ 15 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाके 15 हो जाएगा डिवाइड। तो आप इसकी कटिंग कर सकते हैं किसी भी टेबल में,
फाइव की टर्म में भी कर सकते हैं, फाइव वन ज़ा फाइव देन ज़ीरो, क्योंकि टू डिजिट एक साथ ले रहे हैं, फाइव एट ज़ा फोर्टी, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन, थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री थ्री ज़ा नाइन, थ्री सिक्स ज़ा एटीन। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 36। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एंगल्स की, कौन से टू एंगल्स की। तो एंगल B की वैल्यू है आपके पास 6x, देन 6 इंटू 36, इनको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, एंड एंगल D की वैल्यू थी हमारे पास 2x, मींस 2 इंटू 36। तो हमारे पास इस एंगल की वैल्यू आ गई 216 एंड इसकी वैल्यू आ गई 72 डिग्री। तो देखिए अपने फिगर में आपका एंगल B आ गया 216 एंड एंगल डी आ गया 72 डिग्री, और हमें ये टू एंगल्स पूछे थे। अगर आपसे ई और सी पूछ लें तो उसके पास भी हमारे पास देखिए हमारा जो एंगल सी है वो 4x है, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, और एंगल हमारा जो ई है वो 3x है, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 36 पुट करके हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है। अगर आपको अच्छे से समझ आ रहे हैं क्वेश्चन, देन लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करने हैं, द एंगल्स ऑफ अ हेक्सागन आर, आपको हेक्सागन के सारे एंगल्स दिए हुए हैं एंड हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, क्योंकि हमें सारे एंगल्स वैल्यू में नहीं दिए, एक्स के टर्म में एक्सप्रेशन की फॉर्म में दिए हैं। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स पहले हमें चाहिए, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन क्या होगा, आपको क्या करना है, फॉर्मूला आता है एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री, एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी फाइंड किया था, 6 माइनस टू इंटू 180 डिग्री, दैट इज 4 इंटू 180, आपका आंसर आ गया 720 डिग्री। अब हमारे सारे एंगल्स को ऐड करते हैं, x प्लस 10 डिग्री प्लस 2x प्लस 20 डिग्री, देन 2x माइनस 20 डिग्री, 3x माइनस 50 डिग्री, x प्लस 40 डिग्री, x प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 720। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैंने वो सारे एंगल्स लिख दिए, इन सब एंगल्स का सम है 720 डिग्री। अब सारी एक्स वाली वैल्यूज को पहले सॉल्व कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं देन नंबर्स को। तो 2x प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, देन 8, यहाँ पे 1 और ये 10, टोटल आपके पास आ गया 10x, देन नंबर्स को कर लेते हैं, ये 30 हो गया, माइनस 20 एंड यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, ये आपके पास आ गया 10, 50 में से 40 गए 10, वो भी नेगेटिव बढ़ेगा साइन, एंड 20, ये 20 और 20 कैंसिल भी हो रहे थे, हमने ऐसे सॉल्व कर लिया, अभी भी कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस 20 में से 20 गए 0, देन 10x एज इट इज, प्लस माइनस माइनस 30 में से 10 गए 20 इज इक्वल टू 720 डिग्री, देन 10x इज इक्वल टू 720 माइनस 20, x इज इक्वल टू 700 ओवर 10, देन x इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, हमें एंगल्स फाइंड नहीं करने थे, हमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज 16A का। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया है इन अ पेंटागन, पेंटागन के कितनी साइड्स होती हैं, 5 साइड, टू एंगल्स आर 40 डिग्री एंड 60 डिग्री, टू एंगल्स हमें ऑलरेडी गिवन है एंड रेस्ट ऑफ द एंगल्स आर ऑल्सो गिवन इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, फाइंड द बिगेस्ट एंगल ऑफ द पेंटागन, हमें अपने पेंटागन का सबसे बिगेस्ट एंगल फाइंड करना है। तो हम एंगल को कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं, लेट द अदर थ्री एंगल्स, जो हमें अभी नहीं गिवन है, टू एंगल्स की वैल्यू तो पता है, लेट द थ्री एंगल्स बी 1x, जिसको हम सिंपल x लिख सकते हैं, 3x एंड 7x, x मीन्स वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1x को, एंड अब हम फाइंड करते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन, अब पेंटागन की होती हैं 5 साइड्स, तो आपको फॉर्मूला तो अपना वही अप्लाई करना है, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री का, 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, देन 3 इंटू 180 डिग्री आपके पास आ गया 540, देन अब आपको सारे एंगल्स को ऐड करना है, x प्लस 3x प्लस 7x प्लस जो गिवन एंगल्स थे हमारे पास 40 डिग्री एंड 60 डिग्री, सबको ऐड करके हमारे पास आ गया 540, देन यहाँ पे आपके पास आ गया 11x एंड 100 दोनों को ऐड करके,
अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 100 को राइट हैंड साइड जाके। तो जब हम 100 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे वो हो जाएगा माइनस, आपके पास आ गया 440 डिग्री। x इज इक्वल टू 440 डिवाइडेड बाई 11, क्योंकि 11 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 11 वन्स हैं, 11 फोर्स हैं, 0 एज इट इज। देन हमारे पास x की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है अपना बिगेस्ट एंगल। अब आप ध्यान से देखिए, टू एंगल्स हमें ऑलरेडी गिवन है, इन थ्री एंगल जो हमें दिए हुए हैं, इन तीनों एंगल्स में से आपके पास बिगेस्ट एंगल कौन सा है, 7x। तो हम लिखेंगे बिगेस्ट एंगल जो हमें फाइंड करना है ऑफ अ पेंटागन इज इक्वल टू 7x, दैट इज 7 इंटू 40 डिग्री, 7 फोर ज़ा 28, 0 एज इट इज। तो आपका आंसर आ गया 280 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 14 भी हमने कंप्लीट कर लिया है, एंड आई होप सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से क्लियर है। बस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है चैप्टर की, क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करना एंड फॉर्मूलाज को रिवाइज करना, जिससे आपके कोई भी क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं होंगे। एंड अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 16B के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।